ये है पावर बटन, ठीक है, ये ऑन करने से ये ऑन हो जाएगा। सब लोग देख, ये पावर बटन मैं ऑन कर लिया। अब आप बोलिए, थोड़ा थोड़ा बीच में साउंड ज्यादा करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। इससे साउंड चेंजेस देख सकते हैं, इसमें डेसिबल में आ जाएगा और डेसिबल में इसका साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा और बताएगा कि कितना डेसिबल। तो ये चेंज हो रहा था, अब हम लोगों को देखना है कि उन्होंने जो बोला उसका मैक्सिमम साउंड कितना डेसिबल तक गया और मिनिमम कितना था। तो ये मैक्सिमम एक बटन है, अब अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पर स्टॉप हो गया। अभी करंट है 81%, अब होल्ड छोड़ दीजिए, अब मैक्सिमम मिनिमम देखिए। मैक्सिमम उनके साउंड गया था 91.2 डेसिबल पर, और ये एक बार फिर दिए मिनिमम था 64.6। तो हम लोग का जो नॉर्मल वॉइस होता है, नॉर्मल वॉइस में अगर आप लोग लेंगे तो वो अराउंड 65 टू 70 के आसपास रहता है। ब्रीदिंग का सिर्फ होता है 10 डेसिबल, फिर अगर कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, कोई गाना बज रहा है तो 120 डेसिबल। जैसे आईपीएल में इस बार आप लोग देखेंगे शायद गैलरी का वो साउंड दिखा रहा है 125 डेसिबल। तो ये है, ऐसे करके ये किया जाता है। मिनिमम मैक्सिमम कितना? मिनिमम मैक्सिमम उनका साउंड का था 91.2 और मिनिमम था 64.6। फिर ऑन, जस्ट जहां का साउंड आपको रिकॉर्ड करना है, आइडियली ये तो सपोज आपका वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हो तो आपके बोला बाहर का नॉइज भी इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। बोलते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज डेसिबल है इसमें थोड़ा सा वो चीज लिया जाता है अपना ख्याल से, बाकी सब चीज को मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं, बट फिर भी बाहर का नॉइज तो इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये मतलब इंडस्ट्री के लिए कम आता है, अगर रिक्वेस्ट लेना है तो मतलब।